दोस्तों आईपीएल के 13वें सीजन का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। टूर्नामेंट का आगाज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के साथ होगा, जो 19 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाना है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम टूर्नामेंट का अपना पहला मैच किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 20 सितंबर को दुबई में खेलेगी। वही टूर्नामेंट का उनका आखिरी मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। ऐसे में टीम की नजरें यूएई में अपने पहले खिताब पर है और इसके लिए खिलाड़ी नेट्स पर जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत ने आईपीएल 2020 की तैयारियां काफी वक्त पहले से ही शुरू कर दी थी। पहले वह गाजियाबाद में सुरेश रैना के साथ अभ्यास करते देखे गए थे। हाल ही में उनका एक वीडियो दिल्ली कैपिटल्स के ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसमें वह स्पिनरों की गेंदों पर बड़े हिट लगा रहे हैं। दोस्तों ऋषभ पंत में वह क्षमता है कि वह बड़े से बड़े गेंदबाजों को छक्के के लिए भेज सकते हैं। आपको बता दें पंत ने इस प्रैक्टिस में एक ही ओवर में एक के बाद एक चार छक्के जड़े और उनके छक्कों की खास बात ये थी कि पंत ने ऑफ स्पिनर को छक्के मारे। पंत ने तीन गेंदों पर तीन लंबे लंबे छक्के लगाए, जिसमें से दो छक्के तो उन्होंने आईपीएल के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा की गेंदों पर ठोके। पंत के शॉट देख उनके साथी खिलाड़ी भी तारीफ कर रहे हैं। पंत की बल्लेबाजी और ऐसी ताबड़तोड़ हिटिंग सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। पंत छक्कों का वीडियो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। आपको बता दें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी कभी ऑफ स्पिनरों को इसी अंदाज में छक्के लगाते थे। दोस्तों ऋषभ पंत को उम्मीद है कि इस आईपीएल में वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया में वापस लौटेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में केएल राहुल ने उनकी जगह विकेट कीपिंग की थी। वह एक जबरदस्त दावेदार के रूप में सामने आए, लेकिन निश्चित रूप से आईपीएल का एक अच्छा सीजन ऋषभ पंत के लिए दोबारा रास्ते खोल सकता है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी पंत की फॉर्म जरूरी है। दिल्ली ने टीम को मजबूती देने के लिए आर अश्विन, अजिंक्य रहाणे और सिमरन हेटमायर जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया है। दोस्तों पंत के छक्के का वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें। धन्यवाद।